अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड स्पेसेस को टोपोलॉजिकल स्पेस में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज कनेक्टेड इफ एक्स इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट। अब इसको ज़रा समझते हैं। तीन चार चीज़ें हैं हमारे पास। कोई भी स्पेस वो कनेक्टेड होगी, कब कब कनेक्टेड होगी? जब वो यूनियन ना हो। नॉट द यूनियन किसका? टू दो नॉन एम्प्टी, पहली कंडीशन के ऐसे दो सेट जो नॉन एम्प्टी हों। अगली कंडीशन डिसजॉइंट, वो डिसजॉइंट हों। और थर्ड कंडीशन उसमें क्या है कि वो क्या हो, ओपन सेट हो। यानी कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। तो कोई से दो अगर हम ऐसे सेट लेते हैं जो कि डिसजॉइंट भी हों और नॉन एम्प्टी भी हों और उनका यूनियन जो है वो एक्स ना बने, तो वो क्या होगी? कनेक्टेड स्पेस होगी। सिमिलरली हमारे पास डेफिनेशन है डिसकनेक्टेड स्पेस की, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा कब डिसकनेक्टेड होगी? इफ़ देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट्स नॉन एम्प्टी ओपन सेट ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देख लें कि अगर हमें कोई दो ऐसे ओपन सेट मिल जाते हैं जो कि डिसजॉइंट भी हों और नॉन एम्प्टी भी हों, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, नॉन एम्प्टी भी हों और डिसजॉइंट भी हों, और उनका यूनियन अगर एक्स के इक्वल आ जाता है तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक्स हमने लिया ए बी सी, टोपोलॉजिकल स्पेस कोई भी हमने इसके ऊपर डिफाइन कर दी है। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक इसका ओपन सेट लिया है बी, यहाँ पे बी पड़ा है, ठीक है, और एक मैंने इसका सेट ले लिया है ए सी, ये भी ओपन सेट है। अब सबसे पहली अब बात हमने ये कही थी कि हमने दो ओपन सेट लेने, मैंने दो ओपन सेट ले लिए। अब अगली दो कंडीशन क्या थी कि उनका यूनियन, ऐसे दो सेट्स जिनका यूनियन एक्स के बराबर हो। अब देखो मैंने ए यूनियन बी किया, वो क्या बन गया, ए बी सी, जो कि क्या है, एक्स है हमारे पास, यूनियन एक्स के बराबर है। दूसरा वो क्या है, बी और ए सी का जो है हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं वो फाई आता है, मतलब डिसजॉइंट भी हैं। तो तीन कंडीशन हमने देखनी होती हैं कि ओपन सेट हो, डिसजॉइंट हो और नॉन एम्प्टी हो। अगर तो उनका यूनियन एक्स के बराबर आ जाए तो वो डिसकनेक्टेड, और अगर ना आए तो वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे इसी से ही एक हम रिज़ल्ट देख लेते हैं कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस विद मोर देन वन पॉइंट इज़ डिसकनेक्टेड। यानी कि हर डिस्क्रीट स्पेस जो कि वन पॉइंट से ज़्यादा होगी वो क्या होगी, हमेशा के लिए क्या होगी, डिसकनेक्टेड होगी। ये बात आपने याद रखनी है, हर डिस्क्रीट स्पेस जो कि विद इन मोर पॉइंट हो तो वो क्या होगी, हमारे पास डिसकनेक्टेड होगी। अब इसमें हम रिजल्ट देख लेते हैं कि एक और भी हमारे पास वेल नोन थ्योरम है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डिसकनेक्टेड इफ़ इट कंटेन्स अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए विच इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। देखिए बात डिसकनेक्टेड की हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिसकनेक्टेड हम क्या कहते थे कि अगर उनका यूनियन एक्स के बराबर आ जाए तो। तो इसकी एक और भी डेफिनेशन, उन्होंने एक पहचान बताई है कि अगर एक स्पेस उस वक्त डिसकनेक्टेड होगी कि अगर एक्स के अंदर कोई एक ऐसा सबसेट ए हो जो बोथ ओपन एंड क्लोज हो। यानी कि अगर उस टोपोलॉजिकल स्पेस में एक भी आपको कोई सेट ऐसा मिल जाता है और वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, जो कि क्या हो, बोथ ओपन एंड क्लोज हो, तो फिर आपके पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो क्या हो, डिसकनेक्टेड होगी। और सिमिलरली इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ एक्स डज नॉट कंटेन, अगर ऐसा सेट एक्स के अंदर डज नॉट कंटेन अ सबसेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अब अगर एक्स के अंदर कोई भी एक ऐसा सेट मौजूद नहीं है जो कि बोथ ओपन एंड क्लोज्ड है, तो फिर इसका क्या मतलब है
ऐसी स्पेस क्या होगी, कनेक्टेड स्पेस होगी, ऐसी स्पेस क्या होगी, कनेक्टेड स्पेस होगी। ठीक है, ये एक और भी पहचान है कि अगर इस टोपोलॉजिकल स्पेस में आपको एक ऐसा सेट मिल जाता है जो कि ओपन और क्लोज्ड है, तो फिर आप क्या करेंगे कि उसे डिसकनेक्टेड लिख देंगे, और अगर ऐसा सेट आपको नहीं मिलता कि जो ओपन भी हो और क्लोज भी हो, तो वो कौन सी स्पेस होगी, कनेक्टेड स्पेस, यानी कि सिंपली आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अब एक और अहम रिज़ल्ट है कि कनेक्टेडनेस इज़ अ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। कनेक्टेडनेस जो है वो क्या कहता है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का, इसकी वजाहत ये है कि इफ़ एक्स इज़ अ कनेक्टेड स्पेस, अगर एक्स कनेक्टेड स्पेस है और एक्स होमोमार्फिक है किसके, वाई के, अगर एक्स कनेक्टेड स्पेस है और एक्स और वाई क्या है, होमोमार्फिज़म है इनके माबेन, तो फिर वाई क्या होगा, वो वाई भी यानी कि अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा, कनेक्टेड स्पेस होगा। अगर एक्स कनेक्टेड है, एक्स और वाई होमोमार्फिक है, तो वाई भी क्या होगा, वो कनेक्टेड होगा। अब एक और डेफिनेशन है हमारे पास, टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस। तो टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस कौन सी होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड टोटली डिसकनेक्टेड इफ ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट विच आर नॉट वन पॉइंट सबसेट आर डिसकनेक्टेड। अब टोटली जिस तरह कहते हैं, इसका लफ्ज टोटल से ही अंदाज़ा लगा लें, जिसमें सारे ही डिसकनेक्टेड हो, यानी कि एक ऐसी स्पेस जिसके अंदर जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट हैं वो सारे क्या हों, डिसकनेक्टेड हो, जिसमें सारे डिसकनेक्टेड हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस कहेंगे। और एक ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट का एग्जाम्पल हमने पीछे अभी देखी है कि वो डिसकनेक्टेड होती है, और उसका थ्योरम भी हमने पढ़ा है कि जो भी डिस्क्रीट स्पेस होगी वो डिसकनेक्टेड होगी, क्योंकि सारे ही उसमें सबसेट जो है वो डिसकनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए डिस्क्रीट स्पेस क्या होगी, टोटली डिसकनेक्टेड होगी। अब टोटली डिसकनेक्टेड की एक और डेफिनेशन क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस इफ फॉर एनी टू पॉइंट्स एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, दे आर एग्जिस्ट ऑन डिसकनेक्शन। अगर आप के पास जो है कोई से दो पॉइंट आप लेते हैं इस एक्स के, एक्स और वाई, और वो बराबर नहीं है, और उनके अगेंस्ट आपको दो ऐसे ओपन सेट मिल जाते हैं जो कि डिसकनेक्टेड बनाते हैं, यानी कि आपको इनके अगेंस्ट, ठीक है, इनके अगेंस्ट अगर आपको दो ऐसे ओपन सेट मिल जाते हैं, सपोज मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जिनका यूनियन भी एक्स के बराबर हो और जिनका इंटरसेक्शन, यानी कि जिनका यूनियन भी एक्स के बराबर हो और जिनका इंटरसेक्शन वो फाई के बराबर हो, मतलब डिसजॉइंट हो, तो फिर वो क्या होंगे, वो जो स्पेस होगी वो टोटली डिसकनेक्टेड होगी, यानी कि दो ऐसे एलिमेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं जो कि डिसकनेक्शन बना रहे हैं, तो वो टोटली की टोटली वो सारी की सारी स्पेस क्या होगी, टोटली डिसकनेक्टेड होगी। अब इसमें एक अहम रिज़ल्ट है कि टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस इज़ अ हाफ स्टार स्पेस। तो हाफ स्टार स्पेस आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, T2 स्पेस होती है जिसमें हम दो ओपन सेट लेते थे और ओपन सेट जो है वो डिसजॉइंट होते थे, एक एलिमेंट को कंटेन करता था दूसरे को नहीं, और सिमिलरली दूसरा भी। तो जो टोटली डिसकनेक्टेड स्पेस है वो क्या है, हाफ स्टार स्पेस है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।